बच्चों, मैं सुनीता बैरवा आपके लिए लेके आई हूँ सेकंड क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर ग्रीन वेजिटेबल्स, जिसका नाम है ग्रीन वेजिटेबल्स और चैप्टर नंबर है ये 2। तो बच्चों, इसमें एक पिताजी और एक बच्चे के बारे में वार्तालाप को बताया गया है। एक छोटा बच्चा जिसे पिताजी अपने साथ बाजार में लेकर जाते हैं और फिर वहाँ पे उसे बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ दिखाते हैं और उसका नाम बताते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पढ़ना ग्रीन वेजिटेबल्स। फादर, रवि वेयर आर यू? पिताजी बच्चे को बोलते हैं जिस बच्चे का नाम है रवि। रवि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? इट इज 7:30 नाउ, 7:30 बज चुके हैं। कम क्विकली, जल्दी आओ। आई एम गोइंग टू द वेजिटेबल मार्केट, कि मैं सब्जियों के बाजार यानी कि सब्जी मंडी जा रहा हूँ। रवि, यस फादर, आई एम जस्ट कमिंग, कि पिताजी बस मैं आ रहा हूँ। आई शेल गो विथ यू, यानी कि मतलब इसका अर्थ यह है कि एक पिताजी अपने बच्चे को बोलते हैं कि रवि तुम जल्दी आओ, कहाँ हो? बच्चा बोलता है कि हाँ पापा, मैं आपके साथ चल रहा हूँ क्योंकि मैं सब्जियाँ देखना चाहता हूँ, सब्जी मंडी का बाजार भी देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द मार्केट, बच्चा बोलता है कि मैं बाजार देखना चाहता हूँ, यानी कि जो सब्जी मंडी का बाजार है उसे मैं देखना चाहता हूँ। फादर, पिताजी बोलते हैं यानी कि रवि के पापा बोलते हैं, यस आई शैल शो यू ग्रीन वेजिटेबल्स, कि हाँ मैं तुम्हें वहाँ पर हरी हरी सब्जियाँ दिखाऊंगा। आई शैल टेल यू देयर नेम्स एज वेल, और तुम्हें उन जो सब्जियाँ हैं जो तुम्हें दिखाऊंगा उनके नाम भी बताऊंगा या उनके बारे में भी बताऊंगा। रवि, व्हाट इज दिस वेजिटेबल? फादर, रवि पूछता है पापा यह कौन सी सब्जी है? फादर यानी कि रवि के पिताजी उसे बताते हैं, दिस इज ए कॉलीफ्लावर, कि बेटा ये कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी है। इट इज लाइक अ फ्लावर, और यह एक फूल फ्लावर की तरह है, फ्लावर्स की तरह यानी कि फूल की तरह दिखती है। इट इज वाइट कलर, और यह सफ़ेद रंग की है। देयर आर ग्रीन लीव्स अराउंड द फ्लावर्स, कि जैसे कि एक फूल की तरह दिखती है ये, और इसके आसपास हरे रंग की या हरी कलर की पत्तियाँ होती है। इट लुक ब्यूटीफुल, और यह बहुत सुंदर दिखता है। इट इज वेरी टेस्टी, और ये बहुत स्वादिष्ट भी होता है। वी ईट कॉलीफ्लावर्स इन विंटर, और हम सर्दियों में ये फूल गोभी की सब्जी खाते हैं। रवि, वो बच्चा फिर से पूछता है, व्हाट इज दिस वेजिटेबल फादर, यानी कि पिताजी ये कौन सी सब्जी है? फादर, उसके पिताजी बताते हैं, दीज आर कैबेज, कि यह पत्ता गोभी है। दीज आर ऑल लीव्स, और यह सारी ये गोल गोल पत्तियां हैं, ये पत्तियों की तरह हैं। दीज आर येलो और ग्रीनिश, यह हल्के पीले और हरे रंग की होती है। दीज लुक लाइक अ ग्रीन फुटबॉल, और यह किसकी तरह दिखती है? एक हरे कलर के फुटबॉल की तरह दिखती है। दीज आर इनएक्सपेंसिव, मतलब कि यह ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, ये सस्ती ही होती है। दीज आर आल्सो इटन इन विंटर, और यह भी सर्दियों में खाई जाती है। तो बच्चों, एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने पिताजी से बोलता है कि मैं मार्केट आपके साथ जाऊंगा क्योंकि मैं हम बाजार देखना चाहता हूँ। उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ दिखाऊंगा भी, और उनके बारे में बताऊंगा और उनके नाम बताऊंगा। फिर वो बच्चा पूछता है गोभी को देखकर, फूल गोभी को देखकर यानी कि कॉलीफ्लावर को देखकर, तो उसके पिताजी उसे फूल गोभी या कॉलीफ्लावर के बारे में बताते हैं। और उसके बाद में वो बच्चा दूसरी वेजिटेबल को देखकर बोलता है कि ये क्या है? तो उसके पिताजी उसे बताते हैं कि ये कैबेज यानी कि पत्ता गोभी है, और यह भी सर्दियों में खाई जाती है। बच्चों, उसके पिताजी बताते हैं, रवि बोलते हैं रवि का नाम लेते हुए कहते हैं, दीज आर टोमेटोज, कि बेटा ये टमाटर है। दीज आर रेड, और ये किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। दीज आर राउंड, ये गोल गोल होते हैं। दीज आर अ बेसिक इंग्रेडिएंट इन मेनी ऑफ अवर प्रिपरेशंस, कि यह हमारे बहुत सारी सब्जियां बनाने के काम आता है, और ये हमारी आधारभूत आवश्यकता की तरह है क्योंकि इसे हर सब्जी में डाल सकते हैं। हमारी मम्मियाँ भी घर में हर सब्जी जैसे कि दाल, आलू या और भी कई सब्जियाँ बनाती हैं, उनमें टमाटर डालती है, तो ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। रवि बोलता है, इट इज आल्सो अ वेजिटेबल, क्या पिताजी यह भी सब्जी है? फादर, उसके पिताजी बोलते हैं,
यस इट इज ऑल्सो अ वेजिटेबल, कि यह भी एक सब्जी है। टोमेटो आर यूज इन सैलेड्स, यानी कि जो टमाटर है उसे सलाद के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। टोमेटोज आर यूज इन मैनी वेजिटेबल्स, और हम इसे बहुत सारी अलग अलग सब्जियों में भी या अलग अलग तरीके से इसे डाल सकते हैं या अलग अलग तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि चटनी बनाने में और सब्जियां बनाने में अलग अलग तरीके से इसे, जैसे सब्जियां छौंकने में वगैरह वगैरह। दीज आर यूज इन दाल आल्सो, और इसे दाल में भी डाला जाता है। दीज एड फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड, और यह हमारे खाने में एक अलग फ्लेवर और स्वाद भर देता है। दीज आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, यह पूरे वर्ष उपस्थित यानी कि बाजार में उपलब्ध रहता है हमारे लिए। रवि फिर से बोलता है, व्हाट इज दिस फादर, ये क्या है पिताजी। दिस इज ए स्पिनेच और पालक, यह पालक है, उसे स्पिनेच भी बोल सकते हैं। इट इज अ लेफी वेजिटेबल्स, यानी कि ये पत्तेदार सब्जी है। इट कंटेन्स आयरन, इट इज वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट्स। उसके पिताजी ने उसे बताया कि बेटा यह पालक है और यह पत्तेदार सब्जी है, और यह हमें आयरन, इससे हमें आयरन मिलता है, और इट इज वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट्स, और यह रोगियों के लिए यानी कि बीमारों के लिए बहुत ही लाभदायक सब्जी है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन एवरी सीजन, और यह है हम हमें हर मौसम में हम उपलब्ध रहता है, हम इसे मार्केट से किसी भी मौसम में खरीद सकते हैं। रवि, व्हाट आर दीज वेजिटेबल्स फादर, यह कौन सी सब्जी है पिताजी। फादर, उसके पिताजी बोलते हैं, हेयर आर टू वेजिटेबल्स, कि वहां पर दो सब्जियां है। द लॉन्ग वन इज, फादर, उसके पिताजी बोलते हैं, हेयर आर टू वेजिटेबल्स, कि यहाँ पर दो सब्जियां हैं। द लॉन्ग वन इज कॉल्ड रेडिश, और जो लंबी वाली है उसे क्या बोलते हैं, मूली। दीज आर जनरली वाइट, और यह है सामान्य सफेद रंग की होती है, विथ ग्रीन लीव्स ऑन द टॉप, और इसके ऊपर हरे कलर के या हरे रंग के पत्ते होते हैं। इट इज यूज इन सैलेड्स आल्सो, और यह हमारे सलाद के काम में भी आती है और सब्जियां बनाने के भी काम में आती है। बच्चों, हमने भी मूली को देखा है, और वो हमारे किस काम में आती है, मम्मी उसकी सब्जी बनाती है, पराठे बनाते हैं, और कई बार हमारे पापा वगैरह जो होते हैं वो उन्हें सैलेड्स यानी कि सलाद के रूप में भी उपयोग में लेते हैं। द राउंड वन इज कॉल्ड टर्निप, और जो गोल गोल दिख रहा है वो शलजम है। दीज आर आल्सो जनरली वाइट एंड रेड, यह मतलब सामान्य रूप से ऊपर थोड़ा वाइट, नीचे वाइट वाइट, और ऊपर थोड़ा रेड रेड रंग का होता है। उसके पिताजी बोलते हैं, रवि यू शुड नो अबाउट वन मोर ग्रीन वेजिटेबल्स, रवि तुम एक और हरी सब्जी के बारे में जानना भूल गए हो। हेयर इट इज इन दैट, यानी कि रवि के पिताजी उसे बोलते हैं कि रवि यू शुड नो अबाउट वन मोर ग्रीन वेजिटेबल, कि तुम्हें एक और सब्जी के बारे में जानना चाहिए। हेयर इट इज इन द दैट बास्केट, और वो देखो उस बास्केट में रखी हुई है। दीज आर ग्रीन फिंगर लाइक वेजिटेबल, और यह देखो जैसे कि हरी उंगली की तरह एक सब्जी, यानी कि ग्रीन फिंगर की हरी उंगली की तरह एक दिखती हुई सब्जी है। दोस्त आर कॉल्ड लेडीज फिंगर, और इसे हम क्या कहते हैं, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी कहते हैं। मतलब उसके पिताजी उसे बताते हैं कि बेटा हम एक और हरी सब्जी के बारे में जान सकते हैं, देखो वो वहाँ उस बास्केट में रखी है, और वो लेडी फिंगर यानी कि हमारी हरी उंगली की तरह दिखती है, जैसे कि कोई हरी कलर की उंगली या फिंगर हो, और उसे क्या कहते हैं, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी कहते हैं। रवि फिर बोलता है, डू वी ऑल्सो ईट लेडीज फिंगर, कि क्या हम इसे खाते हैं। उसके पिताजी बोलते हैं, यस हाँ हम इसे खाते हैं इन समर मंथ, और कब खाते हैं, गर्मियों के दिनों में खाते हैं। वी ईट देम, मतलब हम इसे गर्मियों के दिनों में खाते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी टेस्टी, और यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि एक बच्चा और एक पिताजी के बीच में क्या बातें हुई हैं। एक बच्चा अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी यानी वेजिटेबल मार्केट में जाता है, और वो सब्जियों को देख के पूछता है कि ये कौन सी सब्जी है। सबसे पहले उसने फूल गोभी देखी, उसके पिताजी ने फूल गोभी के बारे में उसे बताया यानी कि कॉलीफ्लावर के बारे में उसे बताया कि ये किस रंग की होती है, किस कलर की होती है, और किस सीजन में या किस मंथ में हम इसे खाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे बच्चे को उसके पिताजी ने कैबेज के बारे में बताया, फिर रेडिश और उसके बारे में बताया, स्पिनेच वगैरह के बारे में बताया, कि पालक किस तरह किस किस के काम आता है, पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होता है, इससे हमें आयरन मिलता है, और लास्ट में उसने बताया कि हमें एक और हरी सब्जी के बारे में जानना चाहिए, और वो कौन सी है, लेडी फिंगर।
लेडी फिंगर हमारी फिंगर की तरह होती है, लेकिन ग्रीन फिंगर की तरह, जैसे कि कोई हरी कलर की अंगली हो, और इसे हम गर्मियों के दिनों में खाते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं। बच्चों इनकी वर्ड मीनिंग्स करते हैं। कंटेन, हैव और होल्ड विद इन इट सेल्फ। पेशेंट, सिक पर्सन यानी कि बीमार आदमी। जनरली, यूजुअली यानी कि सामान्य। टेस्टी, प्लीजिंग टू द टेस्ट। तो बच्चों आज हमने रवि की तरह हमने भी कई सारी सब्जियों के बारे में जाना कि वो किस तरीके से कौन से मौसम में मिलती है, उसकी शेप या उसका आकृति कैसी होती है, किस तरीके का उसका रंग होता है। तो बच्चों आज हमने इसके बारे में, ग्रीन सब्जियां हरी सब्जियों के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं अगली चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।